नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरके दांगी चैनल और मैं राजेश दांगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पर एक नया अपडेट निकल के आ रहा है कि अभी भी जो फीस जो भरने की डेट बढ़ा दी है या जो हॉल टिकट एलिजिबिलिटी है एक्टिविटी की डेट बढ़ा दी है कल तक के लिए। दोस्तों, अगर आपके आईटीआई में कोई भी बच्चा जो एक्स स्टूडेंट है उसकी फीस आप नहीं भर पाए या कोई बच्चा आपकी गलती से मिस हो गया है, तो आज आप उसको सही कर लें जिससे कि बच्चे का हॉल टिकट जनरेट हो सके। मैं आपको ले चलता हूं लैपटॉप स्क्रीन पर। आप देखिएगा, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हॉल टिकट जनरेशन का उन्होंने टाइम दिया था वो 17 नवंबर तक था, लेकिन अभी नीचे जो पीली पट्टी पर एक लाइन आ रही है उस लाइन पर जब आप देखेंगे तो 18 नवंबर तक ये डेट बढ़ा दी है। इसमें हम बात करेंगे। देखिएगा, मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मेरा लॉगिन है ऑलरेडी। तो हम लॉगिन करने के लिए आप अपने यूजर आईडी अंडरस्कोर सी करेंगे तो आपका पेज खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, इस पेज पे भी आप देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर चीजें ओपन नहीं हो रही हैं, जैसे मान लेते हैं इधर ये सेंट्रल ये अगर ये चीजें आपकी ओपन नहीं हो रही है, मॉड्यूल आप आईटीआई, अगर ये चीजें आपको नहीं दिख रही हैं तो इसको एक बार रिफ्रेश जरूर कर लेना क्लिक हियर से। तो देखिएगा, आप देखिए यहाँ आईटीआई पर आप क्लिक करते हैं, क्रिएट एडिट और फिर क्रिएट एडिट। अटेंडेंस और सेशनल मार्क्स को भी अभी आप एडिट कर सकते हैं। आपने गलती से, अगर आपकी क्लेरिकल मिस्टेक की वजह से कहीं आपने गलत जानकारी भर दी है, या कोई बच्चा आपने गलती से उसको नॉट एलिजिबल कर दिया या फीस स्टेटस में उसका नो कर दिया गलती से, या उसके मार्क्स आपने बाय मिस्टेक गलत फिल कर दिए, तो आज आप इस वीडियो को देख के पूरा उसको चेंज कर दीजिए। और आप हर एक चीज का ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आप जो भी चीज क्रिएटर पर करेंगे उसको अप्रूवर जाकर, अप्रूवर आईडी से लॉग इन कर उसको अप्रूव करना जरूरी है। इसमें एक और चीज निकल के आ रही है कि अगर किसी ने क्रिएटर आईडी पर बच्चों के डाटा को अपलोड किया है, अगर अप्रूव नहीं किया क्रिएटर पे करने के बाद, अप्रूवर से उसको अप्रूव करना जिन रह गए थे, तो उस वजह से क्या है अप्रूवर पे भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। हो सकता है कि आपको कोई बच्चा आपने यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा हो सकता है आपने यहाँ से उसको क्रिएटर से जाके उसको सब कुछ सही कर दिया, लेकिन अप्रूवर से अप्रूव नहीं किया है, तो वो जानकारी सही नहीं मानी जाएगी तब तक। मींस उसको हम कंप्लीट नहीं बोलेंगे जब तक उस प्रोसेस को परफॉर्म करें क्रिएटर पर, उसको अप्रूवर पर जाके अप्रूव जरूर कर लें। एक बार और देख लें कि कहीं कोई गलती से किसी बच्चे का आपने जानकारी अधूरी तो नहीं है। ये देखिएगा आप, ये आ रहा है एडमिटेड ट्रेनी डिटेल वेरीफाई करने का। क्या होता है, वहां से आपने उसको अपलोड की फाइल को, तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अप्रूव अप्रूव है, यहाँ से आपको अटेंडेंस सेशनल मार्क्स अगर आप उधर एडिट करती हैं, चेंज करती हैं किसी का डाटा, तो यहाँ से आपको अप्रूव करना रहेगा। यहाँ पर ज्यादा कुछ फिल नहीं करना रहता। तो दोस्तों, ये वीडियो आप जरूर अच्छे से देख लीजिए। पोर्टल खोला गया, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी जो डाला था हॉल टिकट एलिजिबिलिटी का, मैंने उसमें आपको बताया था कि एक आध दिन के लिए ये डेट बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों, आज से पोर्टल चालू है, आज ही चल रहा है, तो आज आप रात में ये काम कंप्लीट कर दें। और ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं अपने, अगर लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल में डाटा चेक करिए और उसको कंप्लीट कर लीजिए। और दोस्तों, जो बच्चे बैक में हैं 2019 में, जिनने 2 साल के ट्रेड में एडमिशन लिया है, उनको छोड़कर बाकी के जितने भी बच्चे हैं, 1 साल के ट्रेड के 2019 के बच्चे हैं और उससे पहले के, चाहे सेमेस्टर के हों चाहे ईयरली सिस्टम के हों, वो सारे बच्चों का एग्जाम 23 नवंबर से हो रहा है, तो वो इस बात को भी कंफर्म मान ले कि एग्जाम हो रहा है उनका। और अगर किसी ने एग्जामिनेशन फीस नहीं भरी है तो वो एग्जामिनेशन फीस अपनी भर दे और अपने कॉलेज में जाके पता कर ले कि उसका एलिजिबल है या नहीं है, तो वो अपनी फीस भी जल्दी से जाके जमा कर दे। कोई बच्चे का अगर बैक लगाए और उसने अपनी फीस जमा नहीं की है, तो वो तुरंत अपनी संस्था में संपर्क करे और अपना फॉर्म फिल कर सकता है। ये कल तक खुला रहेगा, तो हॉल टिकट आपके हो सकते फिक्स है, उसी टाइम पर होगी परीक्षा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऑथेंटिक जानकारी तथ्यों के साथ लेकर आते हैं, इस पर आप हम पे ट्रस्ट करके, आपको अगर कोई भी जानकारी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर और मेरे दूसरे फेसबुक आईडी वगैरह भी सब मैंने शेयर किए हैं, तो आप मुझे कहीं ना कहीं जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव है, जरूरी है आप ज्यादा से ज्यादा अभी, आपको आज ही रात में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना है, जिससे कि सभी तक ये टाइम पे जानकारी पहुंच जाए और जिनका कोई भी काम गलत हो गया या पेंडिंग है तो वो अपना काम पूरा कर सके। तो दोस्तों, चैनल पर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि आपको रियल टाइम में जानकारी मिलती रहे।
फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।